May I come in, sir? आइए. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्ते. बैठिए. थैंक यू सर. आप कंटेंट राइटर है? जी सर. क्या लगती है आप? सर मैं एकेडमिक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो क्रिएट करती हूँ. तो आप पूछा जाता है वही लिखती हो या नहीं पूछा जाता है वो लिखती हो? सर जो पूछने के आसार होते हैं वो भी लिखती हो, जैसे पूछा जाता है वो. आपने जैसे कभी लिखा है पीछे वो पूछा गया है? जी सर. सर क्योंकि मैं कवर सिलेबस वाइज करती हूँ तो सर वो पूछा गया है. पूछा गया है जी. अभी लास्ट में जो आईएएस मेंस एग्जाम हुआ था जी, उसमें आपने जो कंटेंट लिखा था उसमें से आया सवाल? सर मैंने सॉरी मैंने मेंस का पेपर देखा नहीं था सर. मैं प्री के लिए कंटेंट क्रिएट प्री के लिए जी. तो आप अब भी लिख रही हैं? जी सर. तो ये तो बहुत बड़ा काम है फिर. आप यहाँ तो प्रतिबंधित हो जाओगी. वो तो आप इंडिया लेवल का काम है वो तो आपका. सर अब लाखों विद्यार्थियों की आदर्श रहोगी उसमें तो. जी सर ये जो मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम है सर ये फ्रीलांसिंग बेसिस पे है. तो सर मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं उस टाइम में ये काम करना पसंद करती हूं. और आप पूरे काम ही इसी को कर लें तो? सर मेरा प्राइम कंसर्न जो है सर वो फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है. कब सोचा था आपने सर फॉरेस्ट सर्विसेज में? सर फॉरेस्ट सर्विसेज का सपना सर काफी पुराना है सर. सर क्योंकि मेरे घर का माहौल स्पेशली मेरे फादर काफ़ी नेचुरलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट हैं, तो उनसे मेरे एक बचपन से अवेयरनेस रही थी इस मामले में. आपकी भी तो, हॉबी फोटोग्राफी है? जी जी सर. किसकी करती हैं आप? सर मैं नेचुरल फोटोग्राफी करती हूँ सर. नेचर में जो भी चीज़ होती है सर, ट्रीज, लैंडस्केप, ये सब. वो तो सबको ही अच्छा लगता है. बादल हैं, अच्छा कर लग रहा है. लेकिन जैसे कोई पुष्प है, कोई तितली है, मोर है जी, इस तरह का कोई स्पेशल होता है? सर मैं बर्ड्स की करती हूँ सर. लेकिन मेरे पास अभी इतने इक्विपमेंट्स नहीं कि वो बहुत अच्छे लेवल की हो पाए सर. आपको जैसे उड़ते हुए पक्षी है जी, ग्रुप में उड़ते हैं बहुत सारे जी, कौन सा ग्रुप अच्छा लगता है? सर मुझे ग्रुप में सर बर्ड्स जैसे सर हमारे यहाँ पे जयपुर में तो पिजन का ग्रुप बहुत आसानी से देखने को मिलता है सर. अल्बर्ट हॉल के वहाँ पे काफी अच्छा नजारा है. वो तो दाना चुगते हैं इसलिए. सर वो जब उड़ते हैं तो सर उनका ग्रुप. एक उत्तर देंगी जी. जो आपको लग रहा हो कि अभी तक वन्य जीवों के लिए जो नहीं हुआ है जो आप करना चाहती हैं जी वो बताइए. सर वन्य जीवों के लिए वैसे तो काफ़ी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी. पर सर जो मैं एक चीज़ करना चाहूँगी, मैं सर अपनी तरफ से जो बड़ी वाइल्ड लाइफ है सर उस पर सब ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटी वाइल्ड लाइफ है सर जैसे सर स्नेक्स हैं तो सर इसके ऊपर मैं इनके रेस्क्यू पे और इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना पसंद करूँगी, जिससे कि लोगों में भी डर जो है ख़त्म हो और जो सही नॉलेज है इनके बारे में वो पहुंच सके सर ग्राउंड लेवल तक. आप कभी ऐसा मन में आता है जैसे अपन किसी के घर जाते हैं, बड़े रिच पर्सन लोग हैं जो पालते हैं बहुत सारे जीवों को, अच्छे लगते हैं, आपने कभी सोचा है कि आप अपना घर बनाओगे आसियाना जिसमें कुछ पालोगी? सर मेरे को डॉग्स पसंद है तो मैं सर डॉग्स पशु क्रूरता को रोकने के लिए कभी कोई ऐसी फोटोग्राफी की है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले? नहीं सर मैंने इस लेवल पे फोटोग्राफी नहीं की अभी तक सर. सर मैंने फोटोज देखे हैं बट सर मैंने पर्सनली ऐसी कोई फोटोग्राफी नहीं की है. वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए जी ऐसा कोई प्रेरित करने वाला फोटोग्राफी आपने कभी की है? सर मैंने बर्ड्स की फोटोग्राफी की है सर, जिसमें हमारे बैकयार्ड में काफ़ी तीतर हैं सर, तो उनका नंबर काफ़ी कम हो रहा है तो उनकी फोटोग्राफी मैंने सर की है. उनके हमारे पीछे पिछले साल सर जब लॉकडाउन लगा था तो उनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी मैंने देखा था. तो एक फैमिली थी सर उसमें, जिसमें वो एक उनका छोटा जो बच्चा था और उनके पेरेंट्स थे सर माँ बाप, तो वो एक सीन जो मुझे था वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीन था सर. मैं उनको ऑब्जर्व करती थी और उनकी फोटोग्राफी करती थी सर. लास्ट में अभी आपने कोई लास्ट कोई ऐसा सीन याद करो जहाँ जंगल में आप गए हो और वो आपको फोटो बहुत अच्छा लगा हुआ? सर मैं लास्ट जंगल सर
थ्री इयर्स बैक गई थी सर, तो सर मैं रणथंभौर गई थी सर, वहाँ पे मैंने टाइगर की फोटो खींची थी सर, तो वो मेरा एक और फेवरेट। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जी, वनों को बढ़ाने के लिए जी या वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए जी, चार लाइन मतलब दो वाक्य में एक कंटेंट क्या लिखेंगे आप जो लोगों को प्रेरित करे? सर मैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट पे लिखना चाहूंगी सर, इसमें कि सर सबकी हेल्थ, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें पशु पशी जितने भी हैं और वन्य जीव हैं, उन सबकी हेल्थ का, एनवायरनमेंट का, सबका ध्यान रखना चाहिए सर, तो ये लिखना पसंद करूंगी मैं सर। आजकल सामान्यतः पर्यावरण और विकास इन दोनों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से देखा जाता है कि यदि पर्यावरण का संरक्षण करना है तो विकास रुकेगा, विकास करना है तो पर्यावरण संरक्षण। जी सर, इन दोनों, अगर आपको ये विकल्प दिया जाए कि केवल इन दोनों में से आपको एक चूज करना ही है, तो आप कौन सा वाला करेंगे और क्यों करेंगे? सर मैं पर्यावरण को चूज करना पसंद करूंगी सर। इसका रीजन मेरा ये रहेगा कि हम पर्यावरण को अगर कंजर्व करेंगे तो सर एक लॉन्ग टर्म गोल है वो सर। पर्यावरण अगर कंजर्व रहेगा तो हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरा, वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, एंड इन लॉन्ग टर्म जो हमारा क्लाइमेट है वो सब कंजर्व रहेगा, तो जो लाइफ है, जो इकोसिस्टम है पूरा अर्थ का, वो लॉन्ग टर्म में सर चलेगा, और फिर साथ के साथ सर धीरे धीरे डेवलपमेंट बाद में भी हो सकता है। ओके, प्लैंकटन्स का नाम सुना है आपने? प्लैंकटन्स जी सर। एक होता है नेक्टॉन्स जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर नेक्टॉन्स जो होते हैं सर वो फ्री स्विमिंग होते हैं, और जो प्लैंकटन्स होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, वो सरफेस पे फीड करते हैं सर, और वो फोटोसिंथेटिक। कोरल रीफ जानते हैं? जी सर। इनके लिए एक आइडियल कंडीशन होती है कि पानी साफ होना चाहिए जी, वो क्यों होता है पानी साफ होने वाली कंडीशन? सर कोरल जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ज़ूज़ैंथेले नाम का एल्गी पाया जाता है, तो सर सनलाइट इनको अच्छी मात्रा में मिलती है, इसलिए पानी का साफ होना ज़रूरी है। अगर पानी में सनलाइट नहीं होगी, मतलब टर्बिडिटी होगी, तो सनलाइट कम पहुँचेगी और जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ओके, ज़हला यस मैम, यू आर अ बॉटनिस्ट यस मैम, इन विच सब्जेक्ट यू आर हैविंग योर स्पेशलाइजेशन? मैम बॉटनी। बॉटनी में स्पेशलाइजेशन? एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंटल साइंस। दो टर्म सुनते हैं हम, एक होता है पर्यावरण विद एनवायरमेंटलिस्ट जी, एक होता है एनवायरमेंट साइंटिस्ट जी, पर्यावरण वैज्ञानिक, क्या दोनों में अंतर है कोई? जी मैम, एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में difference? है मैम, एनवायरमेंटलिस्ट जो होता है वो एनवायरमेंट को कंजर्व करने की और प्रिजर्व करने की बात करता है, और जो उसके हित में आवाज उठाने के लिए वो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं। और जो दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताएंगे मैम? जैसे एनवायरमेंटलिस्ट में मैम हम कैलाश सांखला जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर बहुत मेहनत से काम किया, और उन्होंने टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी टाइम पहले एक वॉइस जो है खड़ी की, और उसके बेसिस पे उसे लीगल स्टेटस मिला। एनवायरमेंट साइंटिस्ट की बात करें तो मैम, एनवायरमेंट साइंटिस्ट का मुझे अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। आपने सलीम अली जी का नाम सुना है? जी मैम। क्या काम किया है इन्होंने? मैम वो एक इंडिया के काफ़ी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड वॉच करते थे एंड वो बर्ड्स की स्टडी करते थे। कौन सा जो बर्ड सेंचुरी है वो उनके उस पे, उनकी वजह से माना जाता है कि ये डेवलप हुआ है? ऐसा कोई एक कारण बताओ जी, जो आपको ये महसूस कराता है कि इस कारण की वजह से आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। सर मेरे नज़र में जो एक कारण है जो मेरा सिलेक्शन करवा सकता है सर, वो है एक वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट मेरा होना सर। सर मैंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कोर्स कराया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट का, सर वो मैंने कंप्लीट किया था विद 100%, तो सर वो और मेरी एक जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है सर नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए, सर वो मेरे को लगता है मेरे को एक एज देती है। राजस्थान के अलावा जी आप कहाँ कहाँ घूमी है? सर मैं लक्षद्वीप घूमी हुई हूँ सर, मैं सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्ट में भूटान सर वहाँ पे भी घूमी हूँ। आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई कि आपको बहुत प्रायश्चित करना पड़ा हो, कि आपको लग रहा है कि नेचर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे
इसकी फोटोग्राफी करनी थी, लेकिन आपके पास में उस वक्त फोटोग्राफी का सामान नहीं था, जी सर, कैमरा नहीं था कहने का, ऐसा कोई याद है आपको दृश्य? सर मेरी फोटोग्राफी जनरली जब मैं लक्षद्वीप घूमने गई थी तब सब फोन से मोबाइल फोटोग्राफी होती थी, तब इतने ज्यादा असर, कोई ऐसा एक पॉइंट जी कि मैं इसको कैच करना चाहती थी, इसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए थी मेरे पास। सर जब मैं कोरल रीफ्स देखने गई थी सर लक्षद्वीप में, तो वो अंडर वाटर था सर, तो अच्छा। सर वो सिर्फ देख ही सकते थे सर, उसकी फोटो खींच नहीं सकते थे क्योंकि इक्विपमेंट नहीं था सर वाटरप्रूफ। अच्छा अच्छा, आप ट्रेवलिंग जब करती हैं जी, तो आप कौन सी ट्रेवल अच्छी लगती है सर? रेल, हवाई जहाज, बस, गाड़ी, स्कूटी, साइकिल, पैदल? तो मुझे ट्रेन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है और सिर्फ जगह पे पहुंचने के बाद मैं पैदल घूमना पसंद करती हूँ। अच्छा अच्छा ओके।